अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। आज बनाने लगे हैं हम गाजर का हलवा। ये हमने 10 किलो गाजरें थी, उनको हमने छील के धो लिया था, फिर हमने उनको क्रश कर लिया है। देखें, जैसे आप देख रहे हैं, अब हमने इनको चूल्हे पे रख दिया है। हमने अभी इसमें कुछ नहीं डाला है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने मलाई ले ली है 1 किलो। ये मलाई इसमें डाल देंगे। अब हमने इसमें ये 1 किलो मलाई डाल दी है और इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब ये गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी, वो खुश्क हम करेंगे और इसको ऐसे ही ढक देंगे। इनको देखते हैं, ये देखें गाजरों ने पानी छोड़ दिया है अपना और ये अब पक रही हैं। ये मलाई जो हमने डाली थी वो भी इसमें मिक्स हो गई है। ये देखें, अब ये पानी के पकने तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें, ये हमारी गाजरों का जो पानी है वो बस खुश्क होने वाला है। ये हमने साथ ही 1 किलो चीनी ले ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। चीनी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। हमने इसको अब तेज चूल्हे पे पकाना है और अब चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी, उसके खुश्क होने तक हमने पकाना है। पानी था हमारा वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो अब हम इसमें 1/2 किलो ऑयल डाल देंगे। ये हो गया है। अब हमने इनको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देसी घी है, ये हमने डाल दिया है। आप जितना चाहें डाल सकते हैं। अब हमने इनको भून लेना है अच्छे से। जब ये गाजरें घी छोड़ देंगी, ऑयल आ जाएगा ऊपर, तो ये भून जाएंगी। तब तक हमने इनको भूनना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ती। ये देखें, ये गाजरों में से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इन्होंने ये देखें ऑयल भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमने 2 किलो खोया ले लिया है, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। थोड़ा सा डाल लिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे पहले, फिर बाकी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और खोया डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता खोया डालते जाना और मिक्स करते जाना आपने। ये देखें, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अभी तो ये मिक्स हो रहा है। ये देखें, खोया तकरीबन हमारा मिक्स हो गया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है माशाल्लाह। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, हमने इसको डिश में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा खोया डाल देंगे। कोई पिस्ता डाल देंगे थोड़ा सा। इसके अलावा आपने जो कुछ डालना है इसके ऊपर डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट में से। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप हमारी रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। अब मिलेंगे एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।